बेंगलोर वर्सेस हैदराबाद तीसवा आईपीएल T20 मैच जो कि खेला जाएगा 15 अप्रैल शाम 7:30 बजे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी रहेगी पिच रिपोर्ट, क्या रहेंगे वेन्यू रिकॉर्ड्स, कैसा रहेगा हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन, और वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि प्लेयर जो आज के मैच में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात करें तो शॉर्ट बाउंड्रीज देखने को मिलेगी, फ्लैट विकेट भी देखने को मिलेगी। फ्लैट विकेट की वजह से आपको देखेंगे कि बैटर्स को काफी अच्छा सपोर्ट करेगी ये पिच, थोड़ी बहुत स्विंग बॉलर्स को मिलती है और स्पिनर्स को भी हल्का फुल्का सपोर्ट मिलता है। इस वेन्यू पे चेस करना काफी आसान रहता है। तो चलिए वेन्यू रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 91 मैचों में से 40 फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने और 51 सेकंड बैटिंग करने वाले ने मैच जीता है। एवरेज स्कोर 170 प्लस का दिखेगा। हेड टू हेड में आप देखेंगे कि आरसीबी ने और हैदराबाद द्वारा मैच जीती है टोटल 21 मैचों में से। लास्ट 10 मैचों में देखेंगे 106 विकेट गिरे हैं जिसमें पेसर्स को 59 और स्पिनर्स को 47 विकेट मिले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इस वेन्यू पे खेले गए मैचेस की। लखनऊ और आरसीबी के बीच मैच हुआ था जिसमें से लखनऊ 181 बनाई थी 5 विकेट के नुकसान पे। आरसीबी 153 पे ऑल आउट हो गई थी। लखनऊ 28 रन से मैच जीत गई थी। दूसरा मैच आरसीबी और केकेआर के बीच हुआ था। आरसीबी देखेंगे 182 रन बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे और कोलकाता बनाई थी 186 रन 3 विकेट के नुकसान पे, 7 विकेट से कोलकाता ये मैच जीत गई थी। दोस्तों तीसरा मैच हुआ था पंजाब और आरसीबी के बीच। पंजाब 176 बनाई थी 6 विकेट के नुकसान पे और बेंगलोर बनाई थी 178 6 विकेट के नुकसान पे। आरसीबी 4 विकेट से ये मैच जीत गई थी। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आरसीबी चेस करते हुए काफी अच्छा परफॉर्म कर लेती है और फर्स्ट इनिंग में आरसीबी जितना भी अच्छा स्कोर बना ले उनके बॉलर सपोर्ट नहीं करते हैं। और इधर देखेंगे कि लखनऊ में काफी अच्छे बॉलर थे मयंक यादव थे, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आरसीबी की टीम काफी वीक है और हैदराबाद की टीम आप देखेंगे काफी कंपैरिजन में काफी स्ट्रांग है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं ये एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की तरफ। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेगी, मुझे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज करिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन के। आरसीबी की तरफ देखेंगे तो डुप्लेसी और विराट कोहली ओपनिंग करेंगे। विल जैक्स नए प्लेयर हैं इंडियन टीम पे, इंडियन की पिचों पे खेलने का एक्सपीरियंस अभी इनको है नहीं पर काफी अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म है, पाटीदार लास्ट मैच में 50 मार के आ रहे हैं। कार्तिक, महिपाल उमरो, रीस टोपले, विजय कुमार, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप लास्ट मैच में खेले थे। ये रहेगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन आज के मैच में। उम्मीद है कि अपने बॉलिंग सेक्शन में आरसीबी को चेंज करेगी। और दूसरों उसके बाद हैदराबाद की बात करते हैं। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा हो सकता है ओपनिंग करें। उसके बाद एडम मार्करम, एनके रेड्डी, क्लासन, अब्दुल सामद या राहुल त्रिपाठी त्रिपाठी में हो सकता कोई एक मैच खेले, और शहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, उनाडकट और मयंक मारकंडे में हो सकता है कोई एक प्लेयर आज का मैच खेले। हैदराबाद में आपको ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं रिकॉर्ड की तरफ। विकेट कीपर सेक्शन में देखेंगे हैदराबाद की तरफ से क्लासन हेड टू हेड में 2 मैच 136 रन, वेन्यू पे एक ही मैच का रिकॉर्ड है 6 रन बनाया है। रिसेंट परफॉर्मेंस 10 9 10 24 80 63। दोस्तों 3 4 मैचों से अगर ये फ्लॉप चल रहे हैं बैटिंग में, बैटिंग भी काफी नीचे आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो क्लासन ये काफी अच्छे प्लेयर रहेंगे, बैटिंग पिचेस पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आज के मैच में देखेंगे तो मस्ट पिक होंगे। दिनेश कार्तिक इस आईपीएल में ओवरऑल ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, लास्ट मैच में 53 रन बना के आए हैं। वेन्यू पे 26 मैच 387 रन है, 13 का एवरेज है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है इस वेन्यू पे। हेड टू हेड पे 21 मैच 329 रन है, 21 का एवरेज है। और रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 53 लास्ट मैच में काफी अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे 2 मैचों में फ्लॉप थे, उसके पहले 328। दिनेश कार्तिक का भरोसा नहीं है कब किस मैच में परफॉर्म कर जाए, किस कि कब इंपॉर्टेंट मैच में ये जीरो पे आउट हो जाए, तो दिनेश कार्तिक का बिल्कुल भरोसा नहीं है। पर आरसीबी की तरफ देखेंगे तो दिनेश कार्तिक ठीक ठाक पिक रहेंगे टीम के अकॉर्डिंग। अनुज रावत मैच खेलने के चांसेस कम है, वेन्यू पे 6 मैच 63 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस 11 3 11 48। स्टार्टिंग में ही एक अच्छा परफॉर्मेंस दे के गए थे और उसके बाद इनको मौका नहीं मिला। आज भी उम्मीद कम है कि आज के मैच में मौका मिले, ड्रॉप कर सकते हैं। अनमोल प्रीत सिंह बेंच प्लेयर हैं, रिकॉर्ड इनका देखे तो एक T20 में 113 बना चुके हैं और ठीक ठाक प्लेयर हैं, टीम में भी इनको जगह मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। विकेट कीपर सेक्शन में आप देखेंगे तो क्लासन और दिनेश कार्तिक दोनों ही ठीक ठाक पिक रहेंगे। आरसीबी के बैट्समैन सेक्शन में देखे तो हेड टू हेड में आप देखेंगे तो विराट कोहली 669 रन है, 35 का एवरेज है। वेन्यू पे 89 मैच खेल चुके हैं, 3182 रन है, 42 का एवरेज है। रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 113 22 83 77 तीन बड़े नॉक आ चुके हैं जिसमें से बेंगलुरु की वजह से आप काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं।
कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रहेंगे। पावर प्ले से 16 मैचों में 484 रन है, वेन्यू पे 13 मैच 465 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस 6-44, इससे पहले 19-8-3-35 है, लास्ट दो मैचों से फॉर्म में लग रहे हैं। अगर आरसीबी मैच को चेज करती है तो उस कंडीशन में पावर प्ले से विराट कोहली दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी फर्स्ट इनिंग में अगर आप देखेंगे तो दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट रहेगा, मैक्सिमम लोग विराट कोहली को पिक करके चलेंगे। महिपाल लैमोर की बात करते हैं तो वेन्यू पे 9 मैच 119 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-33-17, प्लेयर अच्छा है, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है इस आईपीएल में, फिर भी उम्मीद करता हूँ आज के मैच में अगर मौका मिलता है तो बेटर परफॉर्म करे। रजत पाटीदार लास्ट मैच में 50 आ रहा, उससे पहले 0-29-3-18-0, वेन्यू पे देखेंगे 3 मैच 50 रन है, हेड टू हेड 1 मैच 48 रन है, ठीक ठाक प्लेयर है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे तो ये T20 के उतने अच्छे प्लेयर नहीं है, फिर भी RCB की तरफ आप देखेंगे तो प्लेयर एज अ बैट्समैन पिक करने में बहुत ही लिमिटेड प्लेयर है, उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो रजत पाटीदार को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं। सौरभ चौहान परफॉर्मेंस 2 मैचों में कोई खास आई नहीं है, फालतू में मौका मिल रहा है इनको, और इनकी जगह किसी अच्छे प्लेयर है, अच्छे ऑलराउंडर को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते थे, लेकिन RCB की टीम को इन्हीं लिमिटेड प्लेयरों में ही चूज करना है तो आप देख सकते हैं। और RCB की टीम में अगर आप देखेंगे तो विराट कोहली और पावर डुप्लेसिस से बेटर चॉइस कोई नहीं रहेगी, बाकी रजत पाटीदार और महिपाल में कोई एक प्लेयर आप पिक करके चल सकते हैं। हैदराबाद की तरफ देखेंगे तो मयंक अग्रवाल, हालांकि मैच खेलने के चांसेस इनके कम है, 9 मैचों में 246 रन बनाए हैं, वेन्यू पे 18 मैच 531, रिसेंट परफॉर्मेंस 16-11-32-8, दोस्तों इस वेन्यू पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, RCB के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आज के मैच में मौका मिलता है तो मस्ट पिक होंगे। ट्रेविस हेड 3 मैचों पे 81 रन है वेन्यू पे, रिसेंट परफॉर्मेंस 21-31-19, 1/9-62 का आया है, उसे आप देखेंगे कि बाकी हर मैच में इन्होंने काफी ठीक ठाक परफॉर्म किया है, इससे ये पता चलता है कि ट्रेविस हेड कैप्टन वाइस कैप्टन के जो मैक्सिमम लोग पिक करके चलेंगे उसके अकॉर्डिंग ये फिट नहीं बैठते हैं, पर टीम का एक हिस्सा जरूर रहेंगे, ग्रैंड लीग टीम का हिस्सा जरूर रहेंगे, स्मॉल लीग टीम का हिस्सा भी जरूर रहेंगे। अब्दुल सामद, मुझे इनकी परफॉर्मेंस से ना पहले खुशी थी ना आज खुशी है, ठीक ठाक प्लेयर है बैटिंग से आप देखें, बॉलिंग तो इनको टीम में दी नहीं जा रही है, बैटिंग से आप देखें तो लास्ट मैच में 25 रन, उससे पहले 0-29-0-15, हेड टू हेड में 2 मैच एक ही रन बनाया हुआ है। अब्दुल सामद के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर इनके टॉप ऑर्डर पहले फ्लॉप होते हैं तो मैच में हो सकता है इनको बॉलिंग ज़्यादा खेलने को मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा फील करे अपने ऊपर, प्रेशर का मैच हो सकता है कि उस कंडीशन में ये परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इनको बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता। अभिषेक शर्मा 7 मैच 132 रन है, हेड टू हेड में वेन्यू का रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस 16-37-29-63-32, ठीक ठाक प्लेयर है, 4 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आई है, अच्छे प्लेयर हैं, क्वालिटी प्लेयर हैं, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है जरूर पिक करिएगा, सेकेंड इनिंग में हो सकता प्रेशर में मैच में अपना जल्दी विकेट दे के चले जाएं, पर एक कंडीशन और है कि RCB की तरफ के जो बॉलर हैं वो इतने क्वालिटी बॉलर हैं नहीं कि हैदराबाद के जो भी ओपनर्स हों उनको अच्छे खासे मार्जिन से आउट कर सकें, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे तो अभिषेक शर्मा मस्ट पिक रहते हैं। राहुल त्रिपाठी अच्छा प्लेयर है, इस IPL में उतना चांस नहीं मिला, बल्कि आप देखेंगे कि वेन्यू रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है इनका, 2 मैच 45 रन है, हेड टू हेड में 12 मैच 324 रन है, रिसेंट परफॉर्मेंस 11-20-14-15, राहुल त्रिपाठी एक अच्छे प्लेयर में गिने जाते हैं, T20 में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस IPL में उतना अच्छा मौका ना मिलने की वजह से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हैदराबाद की तरफ देखेंगे तो ट्रेविस हेड एक मस्ट पिक रहेंगे, अभिषेक शर्मा मस्ट पिक रहेंगे, राहुल त्रिपाठी मयंक अग्रवाल में किसी एक को पिक करके चल सकते हैं। RCB का ऑलराउंडर सेक्शन में ग्लेन मैक्सवेल 15 मैच में 339 रन बनाए हुए, हेड टू हेड में 4 विकेट मिले हैं, वेन्यू पे 16 मैच 334 रन, 8 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-1-0-28-3-0, विकेट इनको मिला नहीं है, आप देखेंगे कि ठीक ठाक प्लेयर है और परफॉर्मेंस जब इन उम्मीद करी जा रही है कि मैक्सवेल परफॉर्म करेंगे उस कंडीशन में मैक्सवेल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है बैटिंग पिच है आज के मैच में कुछ करिश्मा करके जाए। विल जैक्स अभी नया प्लेयर है, ये मैच में भी 8 रन बनाया है, 1 विकेट भी लिया है, इंडियन पिचेस पर अभी इनको ज़्यादा आइडिया है नहीं, प्लेयर क्वालिटी प्लेयर है, टीम में जरूर पिक करके चलिएगा, कभी भी बड़ा नाम RCB की तरफ से खेल के दे सकता है। कैमरॉन ग्रीन हो सकता है कि आज के मैच में ना परफॉर्म करें, टीम में हिस्सा ना हो, फिर भी आप इनका स्टैट्स देख सकते हैं, हेड टू हेड में 2 विकेट लिए हैं, 90 रन बनाए हैं, वेन्यू पे 5 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया है, और बैटिंग के परफॉर्मेंस 5-9-33-3-18 ठीक ठाक है, और विकेट इस IPL में इनको अच्छे मिले नहीं है, बस एक ही बार 2 विकेट मिला है, अगर टीम में मौका मिलता है इनको खेलने के लिए और RCB की फर्स्ट बैटिंग आती है उस कंडीशन में कैमरॉन ग्रीन को आप पिक कर सकते हैं, बाकी एक सेफ प्राइस में आप अगर देखेंगे तो विल जैक्स एक सेफ प्राइस रहेगा, कैमरॉन ग्रीन और मैक्सवेल में किसी एक को पिक करके चल सकते हैं अपनी टीम में।
हैदराबाद के ऑलराउंडर सेक्शन देखेंगे, मार्करम 3 मैच में 59 रन है, वेन्यू पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-50, 17-42, 18, दो बड़े नॉक आए हैं 50 और 42 का, बॉलिंग इनसे करवाई नहीं जा रही है और ठीक ठाक प्लेयर हैं, हो सकता है आज के मैच में परफॉर्म करके दें, फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग आती है, मैटर नहीं करता मार्करम के लिए, कभी भी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं, एक मस्ट पिक होंगे। मार्को जेनेसन टीम में पता नहीं क्यों जगह नहीं मिल रही है इनको, हेड टू हेड 2 मैच 6 विकेट हैं, वेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस 1-56, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर टीम में मौका मिलता है तो जरूर लीजिएगा, विकेट देखिए तो 0-1-2 काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, टीम में मौका मिलता है तो जरूर नज़र बनाए रखिएगा, मेरे ख्याल से स्टार प्लेयर कहेंगे आप। एंड के एन रेड्डी आप देखेंगे एक मैच से काफ़ी इंप्रेस किया था और एक विकेट भी लिया था, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला है, कोई रन नहीं बनाए हैं, ठीक ठाक प्लेयर हैं, आप अपनी 2-3 टीमें बनाएंगे तो एक नया टीम में जरूर पिक करके रखिएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस अभी इनको मैं नहीं दे सकता, अभी आईपीएल में देखना होगा कि आने वाले मैच में कैसा परफॉर्म करके देते हैं अपनी टीम को। शहबाज अहमद ऑलमोस्ट ठीक ठाक प्लेयर हैं, बैटिंग इनकी काफ़ी नीचे आती है और नीचे आने की वजह से इनको बहुत कम बॉलें खेलने को मिलती हैं, ठीक ठाक प्लेयर हैं, बॉलिंग से ऑलमोस्ट आप इनसे 1 विकेट की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, वेन्यू पे इनको कोई विकेट नहीं मिला है और हेड टू हेड में कोई विकेट नहीं मिला है और 36 रन बनाए हैं इस वेन्यू पे, ठीक ठाक पिक रहेंगे, आप चाहें तो अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। मार्को में एक सेफ चॉइस रहेंगे, एम के रेड्डी या शहबाज अहमद में किसी एक को पिक कर सकते हैं, अगर मार्को जेनसन को खेलने का मौका मिलता है तो मार्को जेनसन एक मस्ट पिक होंगे। दोस्तों अगर आरसीबी के बॉलिंग सेक्शन में, आरसीबी मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे बॉलर को पिक किया है, आरसीबी का भरोसा नहीं कब किस बॉलर को ड्रॉप करके किस बॉलर को अपनी टीम में जगह दे दे, अकॉर्डिंग देखेंगे मोहम्मद सिराज हेड टू हेड 10 मैच 10 विकेट है, वेन्यू पे 18 मैच 22 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-1-1-0-2-0। आरसीबी की तरफ देखेंगे तो एक मोहम्मद सिराज ही खाली एक ऐसा बॉलर लग रहा है जो ठीक ठाक है, पर अकेला बॉलर उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। उसके बाद मैं बात करूंगा रीस टुपले की, 2 मैच 2 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-2-1, एक ये प्लेयर है जो ठीक ठाक परफॉर्म करके दे सकता है आरसीबी की तरफ से, बाकी मुझे और किसी भी प्लेयर पर भरोसा नहीं है। यश दयाल उनको हर मैच में 1-1 विकेट जरूर मिला है, पर ये ग्रैंड लीग की जो मेन टीम रैंक 1 टीम रहती है उसमें कभी भी हिस्सा नहीं बन पाए हैं और 1 विकेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो आप चाहें तो अपनी टीम में पिक कर सकते हैं यश दयाल को, सॉरी मैंने 2-2 जगह इनको ले लिया है। अल्जारी जोसेफ इस आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे हैं, वेन्यू पे 1 विकेट मिला है, हेड टू हेड में 8 विकेट मिले हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इस बार आप पीवी में की तरफ से अल्जारी जोसेफ आज के मैच में अगर मौका मिलता है तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इनको क्रॉस करता हूँ और इनको भी मैं क्रॉस करता हूँ। विजय कुमार को देखेंगे तो 6 मैचों में 8 विकेट मिले हैं, हेड टू हेड वेन्यू पे 6 मैच 8 विकेट हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस 1-1 है, ठीक ठाक प्लेयर है, 1 विकेट भी आप उम्मीद कर सकते हैं इनसे। आकाशदीप लास्ट मैच में मौका मिला था, वेन्यू पे 1 विकेट भी मिला हुआ है, लास्ट मैच में 1 विकेट मिला है, ठीक ठाक प्लेयर है, मीडियम पेसर बॉलर है, आप चाहें तो अपनी टीम में ले सकते हैं। मयंक डागर बिल्कुल भी मुझे इनकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, इनको आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं, वेन्यू पे भले ही इनको 1 विकेट मिला हो 3 मैचों में। आरसीबी के बॉलिंग सेक्शन देखेंगे तो मोहम्मद सिराज और रीस टोपले के अलावा एक विजय कुमार, यही 3 प्लेयरों में से किसी को प्लेयर को चूज कर सकते हैं, वैसे इस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है करण शर्मा, लेकिन उनको हो सकता है बेंच प्लेयर के रूप में ट्रीट किया जाए। दोस्तों हैदराबाद के बॉलर्स की बात करते हैं, पैट कमिंस 5 मैचों में 4 विकेट मिले हैं, हेड टू हेड में वेन्यू पे 4 मैच 6 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 1-1-1-2-1, इस आईपीएल में ऑलमोस्ट हर मैच में इनको विकेट जरूर मिला है, मस्ट पिक रहेंगे। भुवनेश्वर कुमार हेड टू हेड 13 मैच 15 विकेट है, वेन्यू पे 9 मैच 9 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 2 मैचों से थोड़े बहुत विकेट मिलना स्टार्ट हो गए हैं, हैदराबाद के बॉलिंग सेक्शन में ये भी एक ठीक ठाक पिक रहेंगे। नटराजन वेन्यू पे कोई विकेट नहीं मिला है, हेड टू हेड में 9 विकेट मिले 8 मैचों में, रिसेंट परफॉर्मेंस 1-1-3, क्वालिटी प्लेयर है, काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराता है, कभी भी बंडल में विकेट लेके दे सकते हैं। मयंक मार्कंडे हैदराबाद की तरफ से आप देखेंगे तो कभी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे हैं, कभी टीम का हिस्सा है, कभी टीम का हिस्सा नहीं है, ठीक ठाक प्लेयर हैं, आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, वेन्यू पे 2 मैच 2 विकेट हैं, हेड टू हेड 3 मैच 3 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस 0-1-0। मयंक मार्कंडे से जैसी पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही है उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, फिर भी एक ठीक ठाक पिक रहेंगे हैदराबाद की तरफ से। कुनागढ़ देखिए तो 8 मैच 7 विकेट है, वेन्यू पे 13 मैच 10 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस देखिए तो 1-1-0-2। कुनागढ़ देखेंगे तो दोस्तों मीडियम पेस बॉलर हैं, वो ओवर काफ़ी अच्छी करा लेते हैं और हो सकता है इनको आज के मैच में मौका मिलता है तो 1-2 विकेट निकाल देते हैं। हैदराबाद की बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो 2 या 3 प्लेयर आप देखिए, पैट कमिंस, नटराजन और भुवनेश्वर, इनमें से कोई 2 प्लेयर रहेंगे जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं और सेफ टीम का हिस्सा रहेंगे। उसके बाद मयंक मार्कंडे और जयदेव गुनाटकर,
आप चाहें तो अपनी टीम में किन्हीं एक को पिक कर सकते हैं। दोस्तों तो बेंच प्लेयर में देखेंगे कि फजल फारूकी टीम का में मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इनको कोई वेन्यू और इनका भी एक्सपीरियंस नहीं है आईपीएल में ज़्यादा। और अभी जो T20 में इन्होंने विकेट लिए थे 1-2-4 हैं। उमरान मलिक हो सकता मौका ना ही मिले इनको, ठीक ठाक हैं, फिट हैं अभी, 2 विकेट मिले हुए हैं। बैटिंग पिच है, लाइन लेंथ इतनी अच्छी है नहीं, सिर्फ स्पीड के भरोसे आप हमेशा अपनी टीम में नहीं चल सकते। ग्लेन फिलिप ठीक ठाक पिक है, मौका नहीं मिलेगा इनको भी, इनका रिकॉर्ड देख सकते हैं, एज अ बैट्समैन ही ट्रीट करिएगा। वॉशिंगटन सुंदर ये टीम में मौका मिला था, कुछ उखाड़ नहीं पाई है। तो आरसीबी में की तरफ से देखेंगे, प्रभु देसाई ठीक ठाक प्लेयर है, 3 मैच खेले हैं वेन्यू पे, 29 रन बनाए हैं, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला है, 15 रन बनाए हैं, टीम में मौका देता ही है तो ठीक ठाक प्लेयर रहेंगे। आरसीबी की तरफ से टॉम करन मैच खेलेंगे नहीं, इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो अपने लिए कोई अच्छे प्लेयर रहेंगे नहीं। मनोज भांगड़े अगर देखेंगे तो भी ठीक ठाक प्लेयर है, हाल ही में T20 में 1 दिन 2 विकेट निकाले हैं इन्होंने, वेन्यू पे रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 13 विकेट भी निकाले हुए हैं। मुश्किल है कि आज के मैच में मौका मिले इनको। लॉकी फर्गुसन खेलने के चांसेस कम है, करण शर्मा मस्ट पिक है, मस्ट पिक है, अगर आज के मैच में मौका मिलता है तो वेन्यू रिकॉर्ड गजब का है और ये लड़का कुछ भी करके दिखा सकता है आज के मैच में। और इनकी तरफ एज अ बॉलर एज अ स्पिनर अगर को किसी भी प्लेयर पे अगर मैं भरोसा कर सकता हूँ तो वो करण शर्मा है, क्योंकि मुझे मयंक मारकंडे पे इस आईपीएल में उतना भरोसा नहीं रहा है। दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में देखिए कि आप आरसीबी की तरह मोहम्मद रियाज टोपले या विजय कुमार ये 4-4 ओवर कंप्लीट कराने के चांसेस हैं इनके। रिमेनिंग ओवर ग्लेन मैक्सवेल, अल्बर्टदीप, कैमरॉन ग्रीन, विल जैक्स, इनके कराने की उम्मीद है। डेथ ओवर में मोहम्मद सिराज अल्जारी, रीस टोपले, इनके कराने की उम्मीद है। दोस्तों आप देख रहे हो कि मैंने ऑलमोस्ट सारे प्लेयर को इसलिए कवर कर लिया क्योंकि आरसीबी में तरफ फिक्स नहीं है कौन कितने ओवर कराएगा, कौन टीम का हिस्सा होगा, कौन टीम का हिस्सा नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यही कोई ग्राफ रहेगा आरसीबी की तरफ से। हैदराबाद देखेंगे तो उनादकट, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, ये 4 प्लेयर हो सकता है 4-4 ओवर पूरा कराएं। एनके रेड्डी से भी ओवर कराया जा सकता है। एडम मार्करम हालांकि इस आईपीएल में ओवर नहीं करा रहे हैं, बैटिंग पिच है तो ओवर कराने के चांसेस कम है इनके। डेथ ओवर में टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, ये हो सकता है कि बॉलिंग, पैट कमिंस भी हो सकता है कि लास्ट में एक ओवर डाल सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं की प्लेयर की, आरसीबी की तरफ से यही ये प्लेयर हैं जो ठीक ठाक परफॉर्म करके लोग कंटिन्यूसली दे रहे हैं, इसमें से फाफ हैं, विराट हैं, मैक्सवेल अभी तक परफॉर्म किया नहीं है, आज बैटिंग पिच हो सकता है आज कुछ कमाल कर दे जाए। रजत पाटीदार लास्ट मैच में इन्होंने परफॉर्म किया था, उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको लिया है, उसके बाद दिनेश कार्तिक, मोहम्मद सिराज, क्रिस टोपले। हैदराबाद की तरफ देखेंगे कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, एडम मार्करम, एनके रेड्डी ने कोई परफॉर्म करके दे सकता है, लासन, भुवनेश्वर, टी नटराजन में कोई एक, और पैट कमिंस मस्ट पिक होंगे, ये रहेंगे की प्लेयर। दोस्तों बढ़ते हैं डेमो टीम की तरफ, पहली टीम में मैंने क्लासन को ड्रॉप करके कार्तिक को रखा है, बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, डुप्लेसिस, टी हेड, अभिषेक शर्मा और आर पाटीदार को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन में मार्करम, विल जैक्स, रेड्डी को रखा हुआ है, बॉलिंग सेक्शन में 2 ही बॉलर लिए हैं, पैट कमिंस और मोहम्मद सिराज। दूसरी टीम में अगर आप देखेंगे तो मैंने क्लासन को लिया है, कार्तिक को लिया है, बैटिंग सेक्शन में कोहली, डुप्लेसिस, टी हेड और अभिषेक शर्मा को लिया है। आप चाहें तो अभिषेक शर्मा को टीम से ड्रॉप करके किसी और प्लेयर को चूज कर सकते हैं। और उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन मैंने मैक्सवेल को चांस दिया है और मैंने विल जैक्स को रखा है, मैंने मार्करम को ड्रॉप किया है और नीतीश रेड्डी को ड्रॉप किया है। आप चाहें तो नीतीश रेड्डी को अभिषेक शर्मा की जगह आप ले सकते हैं या मार्करम को रख सकते हैं अपनी टीम में। बॉलिंग सेक्शन में पैट कमिंस है, भुवनेश्वर कुमार, रीस टोपले। दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कैप्टन वाइस कैप्टन, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए मैक्सिमम लोग विराट कोहली के साथ जाएंगे, और अगर टीम पहले बैटिंग आती है तो विराट कोहली, पहले या दूसरी बैटिंग आती है तो विराट कोहली मस्ट पिक रहेंगे, सेकेंड इनिंग में फाफ डुप्लेसी की अच्छी पिक रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। बाकी अगर आप देखेंगे विल जैक्स सेफ साइड रहेंगे, बाकी बॉलिंग सेक्शन में देखेंगे तो एक हो सकता है कि 1 से 2 विकेट निकाल के दें, और बाकी एक प्लेयर मैंने इसमें यहाँ पे पिक नहीं किया है, टी नटराजन। टी नटराजन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, और आप चाहें तो टी नटराजन को किसी भी प्लेयर की जगह आप रख सकते हैं एज अ बॉलर, और बाकी और किसी प्लेयर को उतना भरोसा है नहीं। बाकी क्लासन है, अगर बैटिंग आती है तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस रहेंगे। तो क्या हेनरी क्लासन, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, विल जैक्स, ये 4 प्लेयर हैं। बाकी बॉलर में मुझे टी नटराजन को ज़्यादा भरोसा है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन,
तो ये पांच प्लेयर ऐसे हैं जो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छे पिक रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करिएगा सब्सक्राइब करके। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं अगले मैच में।